देश में खाद्य तेलों की मांग रिकॉर्ड स्तरों पर दर्ज की गई है। देश के अंदर खाद्य तेलों की मांग में हुई बढ़ोतरी का आलम यह है कि बीते एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि खाद्य तेलों की मांग में आई बढ़ोतरी त्योहारों की वजह से है। असल में अगस्त में रक्षाबंधन का त्योहार था, जबकि इस बार अक्टूबर में ही दीपावली है। ऐसे में देश के अंदर दीपावली के लिए तैयारियां रक्षाबंधन के साथ शुरू हो गई हैं। नतीजन देश के अंदर खाद्य तेलों की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जुलाई 2022 में भारत ने 12.05 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया है, जबकि जून 2022 में देश के अंदर 9.41 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया था। इस तरह एक महीने में खाद्य तेलों की मांग 30% से अधिक बढ़ चुकी है। वहीं कहा यह जा रहा है कि खाद्य तेलों के मांग में हुई बढ़ोतरी की एक वजह दामों में लगातार आ रही गिरावट भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ महीनों में दामों में बड़ी गिरावट आई है। नतीजन पाम ऑयल के दाम करीब $600 प्रति टन और सोयाबीन $350 प्रति टन और इसी के साथ सूरजमुखी करीब $460 प्रति टन तक गिर चुका है। पिछले 2.5 महीनों में स्थानीय कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से RBG पामोलिन का थोक मूल्य ₹26,000 प्रति टन तक कम हुआ है, जबकि रिफाइंड सोयाबीन ₹25,000 प्रति टन तक लुढ़क चुका है। वहीं सूरजमुखी लगभग ₹22,000 प्रति टन तक गिरा है। भारत का RBD पामोलिन का आयात जुलाई के दौरान बढ़कर 43,555 टन हो गया था, जो कि एक साथ पहले 13,895 टन था। असल में खाद्य तेलों के कुल आयात में RBD पामोलिन की हिस्सेदारी 12% है, जो पिछले साल महज 0.5% थी। इससे CPO के आयात पर असर पड़ा है। साथ ही कहा जा रहा है कि बढ़ते स्टॉक के कारण इंडोनेशिया पाम ऑयल इस समय दबाव में है। इंडोनेशिया ने CPO पर निर्यात कर लगाने की सीमा को घटाकर $680 प्रति टन कर दिया है, जो कि पहले $750 प्रति टन था। ब्यूरो